हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो इस तरह से आप देख सकते हैं इस पेड़ की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल चेक हो चुकी है, मतलब ये डेवलप नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। मैं आपको दूसरी जगह से भी इसको दिखाता हूँ। ये बहुत से भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको किस तरह से हम सही कर सकते हैं। तो इसके लिए खुद में एक ऐसा पौधा मैंने देखा है, ये आप देख सकते हैं, उसके बिल्कुल बुरा हाल है, तो ये ग्रोथ नहीं कर सकता। तो किस तरह से इसकी इसको हम दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, अगर ये आपके इस तरह के जो पौधे हैं वो बंजर हो गई है धरती, तो उसमें एक बार जो है आप पलटान में ज़रूर कर दे, ताकि जो इसकी नई जड़ी है वो डेवलप हो पाए। और जितना दूर जहाँ पर भी कहीं जड़ इसकी कटेगी, दूरी पे पतली होगी, वहाँ से ये ग्रोथ में आएगा। ये आप देख सकते हैं साथ में ही एक और पौधा है, वो भी इसी तरह से है, ग्रोथ इसकी नहीं हो पा रही। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने खोदा हुआ है, अच्छी मेंटेनेंस है आपकी, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले तो आप इसकी जो ड्रेंचिंग है वो कीटनाशक की एक बार इसमें ड्रेंचिंग कर दे, और उसके बाद सर्दियों में आप या अभी भी आप कर सकते हैं, पहले कीटनाशक की ड्रेंचिंग कर दे, फिर जो चूना और नीला धोता होता है उसकी ड्रेंचिंग आप कर दे, उससे भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें मिलता है। मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं, या जो घास से मल्चिंग होती है वो आप कर सकते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपको इसमें बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और फिर भी आपको नहीं मिलता, कुछ वैरायटीज ही ऐसी होती है कि वो नहीं बढ़ पाती, तो उसमें आप नेक्स्ट ईयर उसमें ग्राफ्टिंग कर ले ऐसी चीज़ की जो अच्छी ग्रोथ हो, जैसे गाला है, किंगरॉट है, ग्रैनी स्मिथ वगैरह है, ये जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस तरह की वैरायटी अगर आप इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है वो सही हो जाएगी, पेड़ आपका डेवलप हो जाएगा कहीं ना कहीं। और फिर भी अगर आपके नहीं होती है डेवलप, तो आप क्या करें, इसमें जो माइकोराइजा होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मिल जाएंगे, आप ले वहाँ से, क्योंकि दुकानों में काफ़ी प्रिंट रेट पे बेचा जाता है, ज़्यादा कॉस्ट ली जाती है। तो आप लोग कि अगर कुछ जगह डिलीवरी नहीं होती तो वहाँ तो हम नहीं दे सकते, पर जहाँ पर आपके नियर बाय जो बड़ा स्टेशन हो, जैसे हमारे ठेहोग हो गया, कुमारसन हो गया, वैसे ही आपके भी होगा कोई ना कोई जहाँ पर डिलीवरी हो, तो वहाँ का आप पिन कोड अगर डालेंगे तो डिलीवरी वहाँ पर आ जाती है, वो आपको कॉल करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आप तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो आप कर सकते हैं। और जो इकोराइजा होता है या माइकोराइजा होता है, वो ड्रिंचिंग वाला भी मिलता है, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। और जो ये ह्यूमिक एसिड है वो भी आपको मिलता है लिक्विड में, उसकी भी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो आपको ये सब काम अगर आप करेंगे तो आपका पौधा कहीं ना कहीं रीडेवलप ज़रूर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपके डेवलप नहीं होता तो आप इसमें अप्रोच ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे ये यहाँ पर पाल्टी है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप दो तीन पाल्टियाँ लगाए, वो मैं आपको अप्रोच और इसको यहाँ से इसमें जोड़ दे, ताकि जो इसकी दोनों पार्टियों की ग्रोथ है वो इसमें आ जाए, वो भी मैं आपको एक आधी करके दिखाऊंगा। कहीं भले ही आपके ये नीचे से नेचुरल जो रूट आए हैं वही ठीक है, वो भी चलेंगे, नहीं तो आप दो तीन पार्टियां लगा के, चार पार्टियां, इतना बड़ा पौधा है तो चार पार्टी इसके नज़दीक नज़दीक यहाँ लगा ले, ताकि जो उसकी टॉप है वो आप इसमें किसकी जो जड़ है उसमें इंसल्ट कर सके, उससे आपका जो पौधा है वो दोबारा से रीडेवलप हो जाएगा और उसको अच्छी ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। और आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।